अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस, रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि शाहिद की फिल्मोग्राफी का सिलसिला चल रहा है, तो 77 तक तो जितनी फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो मैंने सब आपको बता दी है। अब हम आते हैं सन 1978 की फिल्मों के बारे में कि 1978 में शाहिद ने कितनी फिल्मों में काम किया। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, तेरी आरज़ू है कि अब सदा मेरे दिल में तेरा कयाम हो। देख इधर एक नजर रूठ के जाने वाले। 1978 में शाहिद की 12 ही फिल्में रिलीज हुई हैं और सब के सब उर्दू फिल्में हैं, क्योंकि इन दिनों में ऐसा था कि सुल्तान रही बिल्कुल पंजाबी फिल्मों पर छाए हुए थे, तो इस दौरान शाहिद को पंजाबी फिल्मों में बहुत कम कास्ट किया जा रहा था। इस वक्त फिर इकबाल हसन, सुल्तान रही, मुश्ताक कुरैशी का दौर दौड़ रहा था। 1978 की पहली फिल्म 13 जनवरी को रिलीज़ हुई एक चेहरा दो रूप, ये जफर शबाब की फिल्म थी। इस फिल्म में शाहिद और बाबरा ने वैसे तो सिंगल किरदार थे, लेकिन इस फिल्म में इन्होंने मुख्तलिफ गेटअप किए, ख़ास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ब्लैक माफिया के बारे में ये फिल्म थी एक चेहरा दो रूप। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम। एक चेहरा दो रूप के बाद अब हम आते हैं इस साल की दूसरी फिल्म है आबशार, जिसका एक बहुत ही मशहूर गाना है, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। जी हाँ, आबशार फिल्म की जो डायरेक्टर है वो जीनत बेगम थी। इसने भी इंटरवल से पहले कहानी कुछ और, इंटरवल के बाद कुछ और, कहानी तो एक ही थी। उसमें ऐसा था कि पहले जो ये किरदार था ये मोहम्मद अली को दिया गया था, जो शाहिद ने निभाया, तो शाहिद वाला किरदार मोहम्मद तारिक ने निभाया। इस फिल्म का एक और गाना भी मशहूर था, आएगा शहरी बाबू। फिल्म आबशार कोई ख़ास कामयाबी हासिल न कर सकी। उसके बाद अब हम आते हैं उस फिल्म की तरफ, जी हाँ, इसको कहते हैं बारात। इसमें मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ, गुलाबुद्दीन और शाहिद मरकजी किरदारों में थे। बड़ी एक सीधी सादी सी कहानी थी। जब इस फिल्म का इश्तहार अखबार में आता था तो कार्ड की सूरत में था कि बाबर शरीफ की शादी शाहिद से हो रही है, मन जा रहे मोहम्मद अली, तो इस तरह का वो दावतनामा था। ये फिल्म क्वेरियर सिनेमा कराची में रिलीज हुई और नाकाम गई। उसके बाद अब आते हैं अगली फिल्म, ये दादकर वजीर अली की फिल्म थी कभी कभी, ये एक नाकाम फिल्म थी। इसमें भी वो कोई ख़ास स्टोरी थी नहीं और इसमें भी ज़्यादातर जूम लेंस का इस्तेमाल किया, फिश आई का, जो यूँ हाथ लगाते हैं तो कैमरे के आउट तक हाथ चला जाता है। इस फिल्म का सिर्फ एक गाना ही मशहूर था, अल्लाह बादशाह हूँ मौला बादशाह, जो कविता पे था, और फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। ये एक्शन फिल्म थी, शाहिद के साथ संगीता, कविता और गुलाम उद्दीन थे। इसके बाद हम आते हैं उस फिल्म की तरफ, जी हाँ, बहुत खूब। बहुत खूब से फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म बीनों को, इदाद का जान मोहम्मद को और शाहिद को बहुत सी उम्मीदें थी कि ये फिल्म तो बस क्लास की फिल्म होगी, ये तो कमाल करेगी। अरे हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, ए बहुत खूब हूँ मैं। इस फिल्म में शाहिद ने 4 रोल किए, एक जो फराडिया था जो इस फिल्म का हीरो था, एक ख्वाजा सरा, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक गली का बदमाश जो जैसे निपिया रोड में खड़े होते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो लोगों को तवक्को थी जिस किरदार की, वो था ख्वाजा सरा का। लेकिन इस फिल्म में ज़्यादा जो
वो लोगों को पसंद आया, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर किरदार शाहिद का लोगों को बहुत पसंद आया। माह रमादी 9 तारीख नू आपने सुबह 9 बजे मजिस्ट्रेट साहब की अदालत विच पेश हो जाना है। इस फिल्म की खूबी ये थी कि इस फिल्म में शाहिद ने 4 किरदार किए थे, चारों का मुख्तलिफ गेटअप था, मुख्तलिफ ट्यून, मुख्तलिफ अंदाज, और ये जो चारों किरदार थे जो शाहिद की आम जिंदगी है उससे चारों मुख्तलिफ थे, और शाहिद ने चारों किरदारों के ट्यून, लबो लहजा, आना जाना और अदाकार जान मोहम्मद ने इसको किस खूबसूरती से पेशकश किया। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म नाकाम गई, इससे शाहिद और जान मोहम्मद बहुत ज़्यादा ही दिल बर्दाश्त हो गए कि इस फिल्म से हमें बड़ी उम्मीद थी। अब उन्होंने ये नहीं देखा इस फिल्म की नाकामी की वजह क्या थी। नाकामी की वजह खासकर ये थी कि इस फिल्म में शायद तो ताई चार रोल में, लेकिन जो फीमेल आर्टिस्ट थी वो आसिया और नजमा जो पंजाबी फिल्मों के लिए थी, फिर तीसरी फौजिया दुर्रानी, तो फीमेल सेक्शन जो था वो बहुत कमज़ोर था और इसमें लोगों के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं थी। इस वजह से ये भी फिल्म नाकाम गई, और इस दौरान यक बा यक अरब से शाहिद की फिल्में भी आ रही थी, तो इसी वजह से ये फिल्म नाकाम गई, जिससे शाहिद और जान मोहम्मद बहुत मायूस हुए। अरे मैंने तुझे जन्म दिया, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे माँ को, मुझे माँ को, मेरे लाल, मुझे माँ को, माँ, मेरा बच्चा। अच्छा, इसके बाद एक और फिल्म आती है, इस फिल्म में भी शायद वैसे तो एक किरदार था, लेकिन इसमें भी 4 इरविनों के साथ है। जी हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ जो इंसान और शैतान के साथ रिलीज हुई, अभी तो मैं जवानों में शाहिद का प्यार शबनम के साथ है, लेकिन इस फिल्म में सबिया खानम, नियर सुल्तान और मीना दाऊद के साथ भी उसका माशका चलता है। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी। इस फिल्म से सलमान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये फिल्म उफ़ी बीविया की तरह डायमंड जुबली तो नहीं, कम से कम प्लेटिनम जुबली करेगी। कोई डिग्री वगैरह है? कौन सी डिग्री का जिक्र करूं सर? वकालत, MBBS, इंजीनियरिंग। वाले साहब, कौन से वाले का जिक्र करूं सर? चीन वाले, जापान वाले, हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, क्या बकवास करते हो? इस शख्स के इतने पापों को तो हरा निकल आता। लेकिन ये फिल्म गोल्डन जुबली भी ना कर सकी। मैंने पहले ही बताया कि ये सिलसिला चल रहा था कि अरब से शायद की फिल्में आ रही थी। तो ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इस फिल्म के तमाम ही गाने सुपरहिट थे। अगली फिल्म जो अभी तुम्हें जवानों के साथ रिलीज हुई वो थी इंसान और शैतान। इस फिल्म में शाहिद और वहीद मुराद ने डबल किस्म के रोल किए, किरदार तो एक ही था, लेकिन एंट्रेंस से पहले शायद एक मौलवी टाइप का होता है और वहीद विलन टाइप का, लेकिन फिर बाद में दोनों ये चेंज हो जाते हैं। तुम्हें माँ बाप की शक्ल है, अगर यार तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेला हूँ। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे। तो इस खलीफा सईद अहमद की फिल्म थी, ये फिल्म भी ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इस फिल्म का सिर्फ एक ही गाना वहीद मुराद और नजमा पे था। अब हम आते हैं उस फिल्म की तरफ जो अपने वक्त की महंगी तरीन फिल्म थी। जी हाँ, फिल्म शीशे का घर। फिल्म अंबर में नजरुल इस्लाम ने मुमताज़ को कास्ट किया और मुमताज़ को इतने खूबसूरत एक्सपोज किया। मुमताज़ ने अब जहन में ये बिठा दिया था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगी तो डायरेक्टर नजरुल इस्लाम होंगे, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत एक्सपोज किया, और शायद अगली फिल्म में भी ये करें। तो उसकी माइंड में ये थी कि मैं फ़िल्म बनाऊँगी शीशे का घर, और शीशे का घर बनाई। उसमें एक और बात ये थी कि जो प्रोड्यूसर था वो नहीं चाहता था कि मुमताज़ के साथ नदीम हो, तो उन्होंने मुमताज़ के साथ वहीद को कास्ट किया, और जो विलनिश रोल था वो एक बार फिर शाहिद को दिया। लेकिन बाद में जब वहीद मुराद ने देखा कि दीदार फिल्म में शाहिद ने अवार्ड हासिल किया, जो शाहिद का जो नेगेटिव रोल था, उसके बाद फिर शबाना में भी शाहिद ने निगार अवार्ड हासिल किया, वो भी एक नेगेटिव रोल था, तो उन्होंने कहा कि भी नहीं, अब मैं नेगेटिव रोल में करूंगा और शायद हीरो बनेंगे, और शायद ने हीरो बन के बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और मेरी नज़र में वहीद का इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार था। वहीद ने बहुत अच्छी तरीके से अपना किरदार निभाया। क्या कह रही हो सुनिए,
तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे क्यों मारोगी? मैंने मैंने क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए? तुम्हें हीरोइन बनाया है और अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विलनिस टाइप का अपने रूटीन से अटके, लेकिन इसमें वैद लगे, वाकी हीरो लगे, वैद वाकी चॉकलेटी हीरो लगे। लेकिन इस फिल्म में मैं एक बार फिर कहता हूँ, अपने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि दादा ने इसके साथ बहुत नाजायज़ किया था। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत हीरो, पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत हीरो वैद मुराद, और उसको जब मुमताज़ जब मारती है, कत्ल करती है, तो उसकी आंखों में पिस्तौल रख के, यानी ये क्या है? इसी तरह जब शाहिद और वहीद मुराद की फाइट होती है, शाहिद उसको मारता है तो वहीद के मुंह पे थूकता है, ये क्या डायरेक्शन हुई? इसमें एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो का इमेज ख़राब करना चाहा दादा ने, और इसी के बाद फिर वहीद का डाउन फॉल फिर शुरू हो गया, और फिर धड़ाधड़ वहीद मुराद के जो परस्तार थे वो भी दिल बर्दाश्त हो गए, फिर वो इस तरह करके वही साहब भी ज़रा सा मायूस हो गए थे इंडस्ट्री से कि मैंने ये फिल्म क्यों साइन की। वहीद के परस्तारों ने बहुत एहतजाज किया फिल्म शीशे के घर पे। मैंने शीशे का घर बनाया है, हर तरफ पत्थरों का साया है, मैंने शीशे का घर बनाया है। शीशे का घर जैसी क्लासिक फिल्म के बाद अब हम आते हैं एक और क्लासिक फिल्म, माजी हाल मुस्तकबिल। ये समझ लो कि जो फिल्म थी ये आज के दौर की फिल्म थी। अच्छा, यहाँ मैं बताना भूल गया कि शीशे का घर के साथ परवेज मलिक की इंतखाब भी आई थी जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुई, और इसी तरह माजी हाल मुस्तकबिल के साथ मोहम्मद अली की सुपर कास्ट की फिल्म टकराव भी आई थी जो माजी हाल मुस्तकबिल के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब गई। तो अब आते हैं माजी और मुस्तकबिल। इस फिल्म का एक गाना, जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया है। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया है। ये फिल्म समझ लो बाबरा की जिंदगी की बेहतरीन फिल्म थी, बहुत खूबसूरत अदाकारी की थी। इसके अलावा इस फिल्म में कभी कभी अच्छा रोल था, और शायद ने भी अपनी जात से अटकर एक वेटर का किरदार अदा किया, और क्या एक्सप्रेशन दिए खासकर मरने के सीन में। और ये फिल्म की नाकामी से काशिफ लिमिटेड वाले अपना असन तारिक को भी बड़ा सदमा हुआ। तू जीना का मुस्तकबिल है बेटे, उसके पास तेरे सिवा कुछ भी नहीं, वो तो तुझे पा लेने की आस लिए आ रही है। हमें भी कि इस फिल्म के गाने आज भी मशहूर है, खासकर बाबरा शरीफ जो मेहनत की आवाज़ में गाना है कि तू पास है तो एहसास मुझको होता है। तू पास हो तो ये एहसास मुझको होता है। क्या खूबसूरत गाना, क्या खूबसूरत शायरी, क्या खूबसूरत लोकेशन, क्या खूबसूरत पिक्चराइजेशन। माजी हाल मुस्तकबिल की तरह इसके भी तीन ही नाम हैं, सीता मरियम मार्गरेट। ये भी असन तारिक की फिल्म थी, इसमें शायद ने एज ए गेस्ट रोल अदा किया था, मेन किरदार रानी ने अदा किया था तीन रोल, फिर तालिश कवि और नया हीरो फराज भी इस फिल्म में था। बहुत खूबसूरत हीरो था, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। ये समझ लो सीता मरियम मार्गरेट रानी के अलावा दीबा और मोहम्मद अली की फिल्म थी, जिसमें मोहम्मद अली ने और दीबा ने इस फिल्म में जो इंदू वाला किरदार अदा किया, क्या खूबसूरत अदाकारी की थी उन्होंने। लेकिन ये फिल्म भी ईद के दिनों में रिलीज़ होकर नाकाम गई। एएमई जिसके मुसिकार थे और सैफुद्दीन सैफ इसके शायर थे, क्या खूबसूरत गाने थे। आपके कानून से नहीं हारी लाजो, सीता बेटी को दुल्हन बनाकर जुदा कर रही है, इनकार मत कर बेटी सीता। एक से बढ़कर एक गाना, एक से बढ़कर एक गाना, एक से बढ़कर एक शायरी। और फिर तालिश पे भी एक गाना था, ए भाई ए मिस्टर कुछ सोच समझ के बात करो। फिर नाइज अख्तर की आवाज़ में कर चुके हम बेनकाब एक साहब किरदार को, फिर एलो प्रिंस मेहनत की आवाज़ में, क्या खूबसूरत गाने थे। लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी।
माजियाल मुस्तकबिल, सीता मरियम मार्गरेट, शीशक अगर जैसी खूबसूरत फिल्मों के साथ दो ऐसी बकवास फिल्में भी शायद की रिलीज हुई इस साल। दोनों दस का जान मोहम्मद की फिल्में थी आंखों आंखों में और मौसम आशकाना। एक आंखों आंखों में शायद का प्यार शबनम के साथ था और मौसम आशकाना के साथ बाबरा के साथ था। एक रवायती स्टोरियाँ थी दोनों फिल्में जान मोहम्मद ने कराची में शूट की है। तो इन 12 फिल्मों के साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम अगले साल की फिल्मों पर तबसरा आपके सामने पेश करेंगे। उस वक्त तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।